नेशनल हेराल्ड केस की जांच की आंच दिल्ली से भोपाल तक आ चुकी है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भोपाल में नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी की जांच के निर्देश दे चुके हैं। अब नगरीय प्रशासन विभाग के पीएस मनीष सिंह जांच कमेटी बनाएंगे। यह कमेटी जमीन आवंटित करने से लेकर उसका लैंड यूज बदलने और कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की मंजूरी देने तक की जांच करेगी। जांच कमेटी में कौन अफसर होंगे ये सोमवार को तय हो जाएगा। 1981 में नेशनल हेराल्ड और इसकी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को भोपाल में जमीन मिली थी। यहाँ 1981 में एजेएल को हिंदी अखबार नवजीवन के प्रकाशन के लिए इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स में करीब 2.25 एकड़ जमीन लीज पर आवंटित की गई थी। भोपाल के महाराणा प्रताप नगर जोन 1 में नेशनल हेराल्ड को आवंटित जमीन पर वर्तमान में कई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शोरूम और प्राइवेट ऑफिस चल रहे हैं। हालांकि 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले जमीन के दुरुपयोग का मामला उठने पर भोपाल विकास प्राधिकरण ने बेहद रियायती दर पर आवंटित जमीन की लीज रद्द कर दी थी। इसके बाद से ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। 80 के दशक में कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की सरकार ने राजधानी भोपाल में कई मीडिया संस्थाओं को अखबारों के संचालन के लिए महाराणा प्रताप नगर के इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स में बेहद रियायती दर पर जमीनें आवंटित की थी। इन संस्थानों में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड भी शामिल थी। इस ग्रुप के हिंदी अखबार दैनिक नवजीवन के प्रकाशन के लिए भोपाल में करीब 2.25 एकड़ का प्लॉट सिर्फ 1 रुपए वर्ग फीट पर आवंटित किया गया था। यहां प्रिंटिंग प्रेस लगाकर नवजीवन अखबार का पब्लिकेशन भी शुरू किया गया, लेकिन 1992 में इसका पब्लिकेशन बंद हो गया। इसके बाद इस जमीन पर एक बड़ा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। इसमें कई निजी कंपनियों के शोरूम और ऑफिस खुल गए। विधानसभा चुनाव के पहले 2018 में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उछालकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। भोपाल विकास प्राधिकरण के तात्कालिक अध्यक्ष ओम यादव ने आरोप लगाया था कि नेशनल हेराल्ड की मालिक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को आवंटित की गई जमीन की लीज अवधि 2011 में खत्म हो गई थी। इसके बाद कंपनी ने लीज का नवीनीकरण नहीं कराया। इसके विपरीत उसने गैर कानूनी रूप से सरकार से अखबार संचालन के लिए मिला प्लॉट किसी दूसरे को बेच दिया। तब इस बेशकीमती जमीन की कीमत करीब 50 करोड़ रुपए बताई गई थी। बताया जाता है कि बीडीए ने कुछ साल पहले अपने इंजीनियरों से सर्वे करवाकर जमीन का कमर्शियल यूज करने और गैर कानूनी रूप से बेचने के मामले में एसोसिएटेड जर्नल की लीज निरस्त कर दी थी।